फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आज हम आए जम्मू के टूरिस्ट प्लेस बागेबो में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो चुके हैं जो हमें नहीं मालूम है, बट एक्चुअली में क्या चेंज हुए हैं वो आगे बताएंगे आपको वीडियो में। सो लेट्स गो। तो आप पीछे देख सकते हैं हमारे एक्वेरियम का गेट। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं वापस गेट के अंदर। सो आगे जा रहे हैं हम एक्वेरियम में। तो आपको बताते हैं कि अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन सी फिशेस हैं और उनकी कितनी वैरायटीज़ हैं। सो देखते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम अंदर जाने वाले हैं, अंदर जाके बताते हैं आपको। अच्छे फूल हैं यहाँ पे, पर है जो सारे के सारे प्लास्टिक के। ये हमारा रतन साहब जा, सभी नकली फूल लगे हुए हैं। इधर ध्यान से देखिए, इनको सारे के सारे नकली फूल हैं। ये धोखा नहीं खाना किसी बात का भी। सभी क्यूरम अवेना सैंक जम। अभी ये दरवाजा है टिकट चेक करने वाले, और ये कुछ हमारे मुख्य अतिथि। हम तो भाई बोलत है कि ठीक है, युवा आईडी चैनल का कुछ लगाया हुआ है। ये कुछ फोटोग्राफ्स, ये हमारा पानी, ये फिर से आगे प्लास्टिक के फूल पागल बनाए जा रहे हैं हम। अभी मैं मछली असली है कि नकली है, ये हम नहीं पता। पानी कैमरा बस we
वैरायटीज हैं। सो इतनी वैरायटीज हैं, इनका नाम मैं लेके आपको नहीं बता सकता कि कितनी वैरायटीज हैं। सो आप वीडियो में टाइम नहीं है, यागी ग्रीन पानी की फिश दिख तो रही नहीं है कुछ भी। तो दे और एक फिश है इसमें बस। और ये देखिए आप पेट में मिलने वाला सामान शेल्स, ये देख लीजिए सभी पड़े हुए हैं इधर। इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं शिप, शिप या बाहर। पीछे आप देख सकते हैं मेरे फिश एक्वेरियम है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है फॉर द स्टूडेंट एंड जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पर्सन है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है फिश के रिलेटेड। बहुत सारी फिश की वैरायटीज हैं यहाँ पे, सो आके विजिट कर सकते हैं आप। तो अब हम चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पीछे जहाँ से हम बाहर आए हुए हैं, फिश की जो टेल बनी हुई है